नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉजिकल हिंदू में। एक बहुत बड़ा कस्बा हुआ करता था जिसकी काफ़ी अधिक आबादी थी। उस कस्बे में बहुत से गांव लगा करते थे। कम से कम 80 से 90 गांव उस कस्बे से जुड़े हुए थे। इस कस्बे में 30 साल का एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था राज्यपाल। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी और इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। खूबसूरत लड़कियों को देखकर बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता था, लड़कियों को देखकर मन मसोस के रह जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। तो अक्सर राज्यपाल कस्बे के बीचों बीच आकर बैठ जाता था ताकि यहाँ से गुजरने वाली महिलाओं को देखकर वह अपनी आँखों की प्यास बुझा सके। राज्यपाल के मन में बहुत सारे सवाल आते थे, मैं इनके साथ कुछ कर सकूं, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत सख्त हुआ करता था कि लड़कियों से छेड़छाड़ करने पर अपराधी को बहुत पीटा जाता और वह अपराधी सपने में भी लड़की को छेड़ने की सोचता नहीं था। इस डर से भी राज्यपाल लड़कियों से दूर रहता था, लेकिन मन में नए से नए षड्यंत्र बनाता रहता था। एक बार उसने एक दुकान से एक किताब खरीदी। उस किताब में लड़कियों का वशीकरण, काला जादू, जादू टोना, टोटका, उसमें कई तरह की विधि लिखी हुई थी। राज्यपाल ने किताब को पढ़कर कई बार टोटके करने की सोची, लेकिन राज्यपाल सफल नहीं हुआ क्योंकि वह किताब झूठी किताब थी, इसलिए उस किताब से कोई टोटका नहीं हो रहा था। राज्यपाल दुखी होकर उस किताब को फाड़ देता है और उसमें लिखा एड्रेस लिख लेता है ताकि वह वहाँ पर जा सके। राज्यपाल ने कुछ दिन मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करा और उस पते पर गया। वहाँ जाकर एक दुकानदार से जादू की किताब मांगी। वह दुकानदार राज्यपाल को एक किताब उठा कर देता है। राज्यपाल उस किताब को खोल कर देखता है तो उसमें वही प्रक्रिया लिखी थी जो राज्यपाल ने पिछली किताब में पढ़ी थी। राज्यपाल उस नई किताब को लौटाकर दूसरी अच्छी सी किताब मांगता है, लेकिन दुकानदार उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि इन किताबों से जादू नहीं किया जा सकता, असली जादू करने के लिए तुम्हें जादू सीखना पड़ेगा। एक तांत्रिक है जो तुम्हें जादू टोना करना सिखा सकता है, लेकिन वह सिखाता नहीं है, आप उससे पूछ लेना अगर वह सिखा सके। राज्यपाल उस तांत्रिक का पता लेता है और तांत्रिक के पास चला जाता है और जादू टोना सीखने के लिए बोलता है। तांत्रिक राज्यपाल को जादू सिखाने के लिए मना कर देता है, लेकिन राज्यपाल को किसी भी कीमत पर जादू सीखना था, इसलिए राज्यपाल तांत्रिक के पीछे पड़ जाता है। तांत्रिक उसे जादू टोना सिखाने के लिए 1,00,000 रुपयों की मांग करता है। राज्यपाल सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद तांत्रिक को पैसा देने के लिए हाँ कर देता है। राज्यपाल अपने घर को वापस आता है और अपनी कुछ ज़मीन बेचकर तांत्रिक के पास लौट जाता है और उस तांत्रिक को 1,00,000 रुपये दे देता है। तांत्रिक राज्यपाल को समझाता है कि कुछ भी हो जाए आपको डरना नहीं है। राज्यपाल तांत्रिक की सभी शर्तों को मान लेता है। तांत्रिक ने पहले 40 दिन तक शमशान घाट में कई सिद्धियां सिखाई और राज्यपाल को जादू टोना सीखते सीखते 2 साल हो गए। राज्यपाल एक तांत्रिक बन जाता है और अपने गुरु से ज़्यादा निपुण हो जाता है। राज्यपाल अपने घर पर आ जाता है और किसी को कानोकान खबर नहीं होने देता कि वह कहाँ गया था, और फिर अपनी हसरत पूरी करने के लिए वह रात होते ही भूतों और आत्माओं को बुलाता था और अपनी शक्ति को भी बढ़ाता था। एक दिन वह घर घूमने के लिए बाहर निकला तो उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी लंबाई 4 फुट 6 इंच थी और रंग बहुत ही गोरा था। तांत्रिक राज्यपाल का उस लड़की पर दिल आ जाता है और उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लड़की को अपना शिकार बनाना चाहता है। राज्यपाल ने अपना पूरा प्रबंध कर लिया था कि लड़की किस तरह जादुई शक्तियों द्वारा लाई जाए। तो तांत्रिक राज्यपाल ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसको सोचकर अचंभा हो जाए।
राजपाल तांत्रिक ने मंत्रों और तंत्रों की शक्तियों से सेम टू सेम जैसा कस्बा होता है वैसा ही एक कस्बा बना दिया। जो हकीकत का कस्बा होता है उसमें आदमी आते जाते नजर आते हैं, लेकिन जो तांत्रिक ने कस्बा बनाया था उस कस्बे में कोई आदमी नहीं होता। वह कस्बा पूरी तरीके से खाली होता है, केवल घर ही होते हैं, और वे भी जैसे ओरिजिनल कस्बे में होते हैं वैसे ही तांत्रिक के बनाए हुए कस्बे में भी थे। अपने बनाए हुए कस्बे में राजपाल उस लड़की को बुला लेता है और तांत्रिक शक्तियों द्वारा उस लड़की को यह एहसास भी नहीं होता कि वह किसी दूसरी जगह पर पहुंच चुकी है। कुछ घंटों बाद उस लड़की को यह एहसास होता है कि वह किसी और कस्बे में है, उसके अगल बगल कोई नहीं है, और वह लड़की सभी जगह पर देखने लगती है, लेकिन उस लड़की को वहाँ पर भी आसपास आदमी तो क्या चिड़िया भी नहीं दिखाई देती। ऐसा पाकर लड़की घबरा जाती है और थोड़ी देर बाद राजपाल तांत्रिक लड़की के पास पहुँच जाता है। राजपाल तांत्रिक को देखकर लड़की के मन में आस बनती है कि यहाँ पर कोई तो है। इसी बात का फायदा उठाकर राजपाल तांत्रिक लड़की के साथ रहने लगता है और रात के वक्त लड़की के पास जाकर उसका फ़ायदा उठाता है। ऐसे करके एक एक करके राजपाल तांत्रिक कई लड़कियों की आबरू लूटता है और इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वह इसका प्रकोप भी झेलता है। राजपाल की जितनी शक्तियाँ थीं उनका दुष्प्रभाव राजपाल पर ही पड़ने लगता है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और वह धीरे धीरे करके मरने लगता है। एक दिन राजपाल तांत्रिक की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा भटककर कई खूबसूरत लड़कियों के शरीर में घुसकर उनको परेशान करने लगती है। राजपाल की आत्मा ने बहुत सी लड़कियों के शरीर में घुसकर उनको परेशान किया, लेकिन जब राजपाल की आत्मा बेहद परेशान करने लगी तब एक अघोरी साधु ने राजपाल की आत्मा को एक बोतल में बंद कर एक बड़े से तालाब में फेंक दिया, जिससे उसकी आत्मा उस बोतल से दोबारा ना निकल सके, और इस तरह राजपाल की आत्मा से लोगों का पीछा छूटा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।